शुक्रिया, थैंक यू। और दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम होता है 5 से 10 मिनट में बोलना। हम दोनों का एक रिश्ता है, मुझे भी बोलना पड़ता है क्लास में और आपको कोर्ट में बोलना पड़ता है। मैं इतिहास का छात्र हूँ, आई टीच हिस्ट्री, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ और कई तरीके से आपके पेशे से हमारा रिश्ता है। हिस्टोरियंस आर हाफ लॉयर्स एंड लॉयर्स आर हाफ हिस्टोरियन। हम दोनों आर्गुमेंट करते हैं, मैं अतीत से करता हूँ, पास्ट से करता हूँ, आप कोर्ट में करते हैं। मैंने PhD की है और बैरिस्टर भी की है, वेरी लर्नड हिस्टोरियन, लीडिंग हिस्टोरियन ऑफ अर्ली फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century, काशी प्रसाद जसवाल, एंड ही वॉज लीडिंग बैरिस्टर ऑल्सो, सो ही रोट एक्सटेंसिवली। मैंने उन पर 3-4-5 किताबें पब्लिश की हैं, तो इस तरह से भी हमारा रिश्ता है। और चूंकि एक्टिविस्ट हूँ तो मुकदमे तो चलते रहते हैं, बचपन से मुकदमे ही लड़ रहा हूँ मैं, तो दिल्ली में 30,000 से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मेरे मुकदमे चलते रहते हैं। और आप लोगों का शुक्रिया भी इसी अवसर पे करता हूँ, इस ओकेजन पे, कि जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी मेरे दोस्तों ने जो पूरा कोर्ट घेर दिया था, वकील दोस्तों ने, आप लोगों ने 24 घंटा के अंदर गवर्नमेंट को जो है मुझे बेल देना पड़ा, तो शुक्रिया इसलिए आप सबका। तो कई तरीके से हमारा आपका रिश्ता बनता है, 5-10 मिनट कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं समराइज करूंगा, कुछ रेफरेंस आपको सिर्फ दूंगा और उससे आप अंबेडकर का एक इंटरव्यू है वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूज़पेपर को, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, और एक और उनका भाषण है, चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा, वो पूना डिस्ट्रिक्ट लॉ लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन में ही वॉज द चीफ गेस्ट, और उन्होंने एक शानदार भाषण दिया था वहां पे, और भाषण का टाइटल था कंडीशंस प्रेसिडेंट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि भारत में लोकशाही की सफलता को सफलता से चलाने की पूर्व शर्तें। और वॉइस ऑफ अमेरिका को जो इंटरव्यू है वो पढ़िए, ये है, ये जो भाषण है लॉ कोर्ट में, ये है, डेट मैं बता दूं क्योंकि क्रोनोलॉजी सही रहेगा जी, एनीवेज खैर डेट मुझे दिख नहीं रहा है, तो ये पहले का है, बाद में वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया गया इंटरव्यू आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों। अंबेडकर ने सोशल जस्टिस तो तब बचेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा, जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बचेगा, डेमोक्रेसी बचेगी, तो इसलिए ये भाषण में चुन के लाया था ये दोनों। तो अंबेडकर ने बड़ा बढ़िया से वेरी ब्यूटीफुली समराइज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट इट इज अ फाइट, अ स्ट्रगल बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म, और कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पूरे आखिरी भाषण में 25 नवंबर 1949, उसका लास्ट पैराग्राफ देखिए, लंबा भाषण है और बहुत पावरफुल भाषण है, उन्होंने समराइज कर दिया उसमें कि वी आर एंटरिंग इनटू द एज ऑफ पैराडॉक्स कॉन्ट्रडिक्शंस, ऑन द वन हैंड वी विल हैव पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता होगी, वन मैन वन वोट, ऑन द अदर हैंड वी विल हैव एक्सट्रीम सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, भयंकर सामाजिक और आर्थिक विषमता होगी। अगर इसको इफ वी आर नॉट एबल टू रिजॉल्व इट एज अर्ली एज पॉसिबल, देन इनसे जो पीड़ित ऑपरेस्ट लोग हैं पार्लियामेंट में सुरंग लगा देंगे। तो शायद मोदी जी ने अलग पार्लियामेंट बनवा लिया है, इस 10 साल में अगर 2-4 मुकदमे नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता है कि आप लोकशाही में हैं, 2-4 मुकदमे होते रहने चाहिए। इफ सिस्टम बिकम्स ऑपरेसिव देन लेट्स मेक रेसिस्टेंस फैशनेबल, आपका तो गोल्डन हिस्ट्री है, पूरा लंबा इतिहास है कि पूरे फ्रीडम मूवमेंट में द एंटायर फ्रीडम मूवमेंट वॉज लेड बाय द बैरिस्टर्स, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अंबेडकर खुद, नेम एनीवन, गांधी। तो जब सिस्टम में, इसलिए मैंने कहा कि पहले लोकशाही बचेगी या नहीं बचेगी, वन मैन वन नेशन वन इलेक्शन,
तो वन नेशन वन कास्ट नहीं हो सकता है। भारत कैसे परिवार होगा, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल, हजारों जातियां। उस भाषण में ही 25 नवंबर को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हजारों जातियों में बटा मुल्क कभी राष्ट्र नहीं बन सकता है, नेशन नहीं बन सकता है कभी। ये कोई यहां कोई भाईचारा वगैरह नहीं है, क्लियरली इंडिकेट किया उन्होंने कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया क्या कहा कि यहां पेशा भी मिलता है जाति के आधार पर, दान भी मिलता है जाति के आधार पर, वोट भी मिलता है जाति के आधार पर, एजुकेशन भी मिलता है जाति के आधार पर, एवरीथिंग। एक और भाषण में उन्होंने कहा कि यहां के जितने ज्यादातर जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस एंड मजिस्ट्रेट्स, मोस्ट ऑफ देम आर करप्ट। जब करप्ट अगर हो तो कोई बात नहीं, करप्ट को कोई भी खरीद सकता है। ये खाली करप्ट नहीं है, वो बहुत पक्षपात भी करता है, बायस्ड भी है कि पक्ष भ्रष्ट को तो कोई भी जाएगा पैसा देगा खरीद लेगा, लेकिन नहीं, एक इशू में अगर अस्पृश्य वहां खड़ा है, उसकी जात वाला खड़ा है, तो अपनी जात वाला का काम करेगा, इसके पैसा देने से भी काम नहीं करेगा। यह पक्षपातपूर्ण है व्यवस्था। एंड आई कम फ्रॉम यू नो बिहार, स्मॉल फैमिली, सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई और लंबे समय से अपना स्ट्रगल करके पढ़ाया, अब 26 साल पढ़ा चुका हूँ। अभी सूरज जी ने बताया कि कुंजी छाप लिख के लोग एक एक पर्चे का जो है लिखकर प्रोफेसर, प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। चुनौती दे रहा हूँ इस मंच से, या अपने बायोडाटा दिखाओ, अपने पॉइंट्स दिखाओ, और 10 किताबें पब्लिश करके, 6 तो काशी प्रसाद जसवाल पे ही है, 1 अरुंधति रॉय का ट्रांसलेटेड किताब है, 14 रिसर्च पेपर, सैकड़ों लेक्चर्स यूनिवर्सिटी में अक्रॉस दी कंट्री देने के बाद मैं लंदन लेक्चर देने नहीं जा सकता हूं, वीजा डिनाइड, मेरा प्रमोशन नहीं हो सकता है। तो मुझे पता है कि अंबेडकर पढ़ पढ़ के, मेरा एक चैनल भी है, देखिए कभी उस पर, जिस पर मैं बोलता हूँ, अंबेडकर नामा नाम से चैनल है, खूब पढ़ता हूँ, इसलिए कॉन्फिडेंस का लेवल जो है मेरे अंदर डिफरेंट तरह का है। तो ये हाल है। अभी देखिए मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, फ्रिवलस FIR मेरे ऊपर हुआ पिछले साल, कोई दम नहीं है, वो तो आप लोग तो लर्नर लॉयर है तो खड़ा होकर मैं आर्गूमेंट करूंगा तो हरा दूंगा दिल्ली पुलिस को, सरकार को, उसमें मेरी गिरफ्तारी हो गई रात में। और अभी दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल है, उसके ऊपर एट्रोसिटीज एक्ट में कई संगीन मामलों में उसमें FIR दर्ज है, चार्जशीटेड हो चुकी है, लेकिन वो प्रिंसिपल में बैठी हुई है, देयर इज नो एक्शन फ्रॉम द पुलिस, फ्रॉम द वाइस चांसलर। तो क्या यूनिवर्सिटी में वर्ण व्यवस्था लागू नहीं है? लागू है। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि इफ सिस्टम बिकम्स ऑप्रेसिव तो लेट्स मेक फैशनेबल रेसिस्टेंस फैशनेबल। मैं जानता हूं कि दर्द नब्ज कहां पे है, प्रमोशन होगा 5 साल बाद होगा, क्या फर्क पड़ता है, इट हार्डली मैटर्स। इफ आई एम राइटिंग समथिंग, आई एम स्पीकिंग समथिंग, पूरे दुनिया भर में लोग सुन रहे हैं मुझे, पढ़ भी रहे हैं, तो आप मेरे स्टेचर को आप मेरे प्रमोशन से आप जोड़ के मत देखिए। बहुत सारे प्रोफेसर को मैं जानता हूं किस लेवल पे हैं, और आपसे 3 गुना मेहनत मेरा लगता है, आपसे रोज लड़ना है, 4 मुकदमे लड़ने हैं। जब मुझे लोग कहते हैं भाई दबंग आदमी डरता नहीं किसी से बोलता है, जब मेरे साथ ऐसा कर सकता है यूनिवर्सिटी, तो इस देश में क्या सोशल जस्टिस होगा, ऐसी कल्पना आप करिए। मैं तो सभी दोस्तों को कहता हूं, जितने मैं स्पेशली दलित पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं बात, ये आंख में आंख मिलाकर बात करो, रोज सुसाइड हो रहा है दिल्ली में, फिर 2 दिन पहले हुआ IIT में, सुसाइड मत करो, डरो मत भागो, डरो मत लड़ो, भागो मत दुनिया बदलो, आंख में आंख मिलाकर बोलो, ऐसे अथॉरिटीज को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करो। आई डू दैट, मैं रोज भाषण में बोलता हूं इसको, क्योंकि एक दलित से जो ना ह्यूमिलिएट होना ना, उसके हड्डी में बहुत चोट लगता है, ये मैं जानता हूं साइकोलॉजिकली। तो अभी भाई साहब जिम्मेदारी हम आपकी बहुत बड़ी है, ये मुल्क का संविधान खतरे में है, वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है, लेकिन कल होके बोलेगा कि वन नेशन वन पार्टी वन लीडर, वन कास्ट नहीं हो सकता, वन एजुकेशन नहीं हो सकता है। तो ये चाइना से ज्यादा इनके लोग ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, RSS BJP के लोग, ये पूरा यहाँ पे जो है ना जाते हैं बीच बीच में वहां ट्रेनिंग लेने, स्टडी करने। तो
इसलिए बहुत मुश्किल का दौर है। ये सिर्फ रिजर्वेशन छोड़ दीजिए, सोशल जस्टिस छोड़ दीजिए, जब रिजर्वेशन सोशल जस्टिस नहीं था तब भी इस देश के बैकवर्ड दलित सर्वाइव कर रहे थे। ये कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं बचेंगे, ये भी मैं कह रहा हूं। किसको न्याय मिलेगा, कौन प्रैक्टिस करेगा, कौन नहीं करेगा, ये भी डिसाइड होगा नागपुर से, संतरा टीम से डिसाइड होगा। तो वी आर फाइटिंग टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो ये अभी बहुत मुश्किल दौर है, इसलिए सीधी बात है कि अभी जो पावर में है उसको सोशल जस्टिस से क्या लेना देना। वो तो 1947 में ही जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था, 1950 में ही बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानते, ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल लिखा। तो मनुस्मृति हमारा ये है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जिसकी फिलॉसफी यही हो, जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जिस तरह से उसको डिफंक्ट कराया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से कई जजमेंट इस तरह का है, हम लोगों ने देखे, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, EWS में तो पढ़ा नहीं, फटाफट डिसीजन हो गया, कास्ट सेंसस पे कोई अभी एक्शन रिएक्शन नहीं है। और हो गया सर, 10 ही मिनट बोलाऊं शायद, हाँ 10 ही मिनट बोलाऊं, है ना, कास्ट सेंसस पे कोई रिएक्शन नहीं है। क्रीमिलेयर मतलब अजीब तरह का, कोई अगर देखेगा पढ़ेगा दुनिया में अगर पढ़ता होगा इस तरह के ऑर्डर सब सुप्रीम कोर्ट का, वो जब हमारे जैसे आम लोग जो कि टेक्निकली वी आर नॉट साउंड लीगली, ये समझ सकते हैं कि 8 लाख इसका भी, 8 लाख इसका भी, इतने मतलब जिसका 65,000 रुपया पर मंथ तनख्वाह है, इनकम है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया, EWS में आ गया, ये सब गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस आए हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट से भी आए हैं, इसलिए बहुत ही सीरियस मैटर है। लोग सर, दो बार हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ भारत बंद किया और दोनों बार जीता, एक एट्रोसिटीज एक्ट पर 2 अप्रैल 2018 और एक जो है रोस्टर सिस्टम जब आया था, 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम इन्होंने लागू करने के लिए कहा था, उस समय 5 मार्च 2019 को भारत बंद किया। इसलिए मुझे लगता है इस लेक्चर में बहुत शानदार है, आप पढ़िएगा जरूर, अंबेडकर एक्सटेंसिवली टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इक्वालिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन नॉट लॉ, लॉ में तो सब इक्वल है, एडमिनिस्ट्रेशन में इक्वल है कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा जरूर। शुक्रिया। साडे YouTube चैनल नूं सब्सक्राइब करो।